द कारवा मैगजीन ने अपने एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट में यह बताया कि बीएस येदियुरप्पा, जो कि भाजपा के एक वरिष्ठ नेता हैं और साथ साथ कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री भी, उनकी एक डायरी में कुछ ऐसे राज छुपे हैं जो देश की राजनीति में उफान ला सकते हैं। इस मैगजीन की माने तो येदियुरप्पा ने लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी दोनों को 50-50 करोड़, राजनाथ को 100 करोड़, जेटली और गडकरी को 150-150 करोड़ बांटे। इसके अलावा येदियुरप्पा ने कुछ जजेस को भी पैसे बांटे। इस मैगजीन के अनुसार ये डायरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास 2017 से ही है। अब जब रोगी को देख लिया है तो थोड़ा ऑपरेशन भी किया जाए। सबसे पहली बात, क्या आपने कभी किसी गधे को अपनी निजी डायरी को साइन करते देखा है क्या? नहीं ना। लेकिन कारवा मैगजीन के हिसाब से येदियुरप्पा अपनी स्वयं की डायरी में लिखने के बाद साइन भी करते हैं। चलिए ये भी मान लेते हैं कि दुनिया में ऐसे 10-20 नमूने हो सकते हैं, पर क्या किसी ऐसे व्यक्ति का नाम सुना है जो पहले अपने काले कारनामों को डायरी में लिखते हैं, फिर उस पे शान से साइन करते हैं? मतलब पुलिस, कोर्ट, सबका काम आसान, खुद की साइन करके बता दिया कि हाँ भाई, मैंने ही बांटे हैं 1000-करोड़ रुपए। और सुनिए, ऐसा कोई घोटाला सुना है जहां सारा काम राउंड फिगर में होता है? अरे, अपनी खुद की सैलरी भी दुनिया भर के कट्स और एडिशंस के बाद राउंड फिगर नहीं रहती, रिश्वत की तो बात ही छोड़िए, लेकिन यहां तो 50, 100 और 150 करोड़ के राउंड फिगर्स की बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं। लीक्स में नेताओं का नाम तो बोल्ड लेटर्स में लिखा है, लेकिन जजों के नाम गायब हैं। जरा सोचिए ऐसा क्यों? क्योंकि अगर एक भी जज का नाम फेक न्यूज में घसीटा गया तो एडिटर साहब के चेहरे से बड़े ताले मैगजीन के दफ्तर के दरवाजों पर लटक जाएंगे। और आगे बढ़ते हैं। जब ऐसे खुफिया डील्स होते हैं तो असली नाम नहीं, कोड नेम्स यूज होते हैं। जैसे अगस्ता वेस्टलैंड केस में एक नाम आया था, एपी। अब ये एपी कौन है ये आप खुद फिगर आउट कीजिए, लेकिन यहां तो ताल ठोक के राजनाथ और गडकरी लिखा जा रहा है। और आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक बीजेपी ने येदियुरप्पा की लिखावट की एक ट्वीट जारी की है, जिसकी लिखावट और कारवा मैगजीन के रिलीज किए गए पेपर्स पर जो लिखावट है वो दूर दूर तक मेल नहीं खाती। यहां तक कि सिग्नेचर भी लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो है। मतलब जिसने भी कहा कि नकल के लिए अकल चाहिए उसने बिल्कुल ठीक ही कहा। अब आते हैं फाइनल पॉइंट पर। यह वही कारवा मैगजीन है जिसने जस्टिस लोया का केस बनाया था और उनके परिवार वालों के लाख इनकार करने पर भी अमित शाह को हत्यारा घोषित करने पर तुले हुए थे। मतलब झूठी रिपोर्टिंग में भाई लोगों ने महारत हासिल की हुई है। तो ये हैं पत्रकारिता के गधे, गर्दभ, वैशाख नंदन। धन्यवाद।